दोस्तों आज हम द इविल इन आस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इस मूवी में एक ऐसे ड्रग्स के बारे में बताया गया है जिसे लेने से इंसान कैनिबल में बदल जाते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक सिटी को दिखाया जाता है जहां एक अपार्टमेंट पे दो कॉप जाते हैं जिन्हें वहां से लाउडस्पीकर की आवाज आने की रिपोर्ट मिलता है, लेकिन उस अपार्टमेंट की दरवाजा लॉक्ड होता है। लेकिन वो कॉप्स अपार्टमेंट के मालिक से डुप्लीकेट कीज लेके उस रूम को खोलता है। उस रूम को खोलने पर उन लोगों को वहाँ पे बहुत सारे खून दिखाई देता है, जिसे देख वो दोनों को अलर्ट हो जाता है और अपना गन ले लेता है और फिर अंदर जाके बहुत तेज चल रही उस लाउड स्पीकर को ऑफ करता है। वो लोग अंदर देखते हैं कि दो लोग अंदर आतखाया मरा पड़ा हुआ है और वहाँ एक लड़की भी आतखाया पड़ा हुआ था जिसके सांसें अभी तक चल रहे थे। जब उस लड़की का होश आता है तब वो खुद की ये हालत देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। उसके बाद के सीन में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनमें से उस लड़की का नाम ब्री होता है। वो दोनों कहीं पर छुट्टी मनाने जा रहे थे और रास्ते में से एक और मेल फ्रेंड को पिकअप करता है और फिर हमें और तीन फ्रेंड्स को दिखाया जाता है। वो लोग भी कार में बैठे हुए थे। वो तीनों भी ब्री के फ्रेंड्स होते है जिनमें से लड़की का नाम जॉन होता है। वो तीनों भी ब्री और बाकी फ्रेंड्स के साथ जाने वाले होते है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें क्राइम सीन में एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है जहाँ एक फॉरेंसिक ऑफिसर उसे कहता है कि यहाँ पे कोई जानवर नहीं आ सकता है क्योंकि बहुत टाइट सिक्योरिटी है। तो फिर इन सबका ये हाल किसने किया होगा? तब वहाँ डिटेक्टिव को उस लड़की के एक फटे हुए तस्वीर मिलती है और फिर वो ऑफिसर को उस तस्वीर के बाकी हिस्से के बारे में पता लगाने के लिए ऑर्डर देता है। और फिर डिटेक्टिव हॉस्पिटल जाके उस इंजर्ड लड़की से पूछता है कि उस रात तुम लोगों के साथ क्या हुआ था। तब वो लड़की बहुत ही हाइपर हो जाती है और इसलिए डॉक्टर डिटेक्टिव को पूछताछ करने के लिए मना करते हुए कहती है कि पेशेंट की हालत बहुत ही नाजुक है। अगले सीन में हम ब्री और उसके सारे फ्रेंड्स को देखते हैं जो एक जगह पे आते हैं और मेसिकर के आइलैंड में जाने का प्लान करता है। वहाँ पे ब्री जॉन को अपने आप से बातें करते हुए देखते है और फिर जब ब्री उससे पूछता है तब जॉन कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर वो लोग एक बोट पे बैठ के आइलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर हमें एक बुरे आदमी को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में जा रहे थे। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही अलर्ट होते हैं। वहाँ पे हम एक केबिन में एक कपल को बंधा हुआ देखते हैं। उस तरफ सारे फ्रेंड्स उस आइलैंड में पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक केबिन में वो लोग रहने वाले थे। बोट का कैप्टन उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे मोबाइल का सिग्नल नहीं मिलता है, जिसे भी मुझसे कॉन्टेक्ट करना हो वो वॉकी टॉकी की मदद से कॉन्टेक्ट कर सकता है और मैं यहाँ पे दो दिन बाद आऊंगा। बोल के कैप्टन वहाँ से निकल जाते हैं और फिर वो सारे फ्रेंड्स एंजॉय करने लगते हैं। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव उस फटे हुए तस्वीर का डिटेल्स निकालता है जहाँ पे वो देखता है कि उस तस्वीर में इंजर्ड लड़की के साथ जॉन होता है। और फिर वो अपने एक ऑफिसर को उस लड़की का कॉल डिटेल्स निकालने कहता है। उस तरफ आइलैंड में हम जॉन को देखते है जो की ड्रग्स ले रहा होता है और फिर वो बाहर आके बाकी फ्रेंड्स के साथ दारू पीने लगता है। जॉन अपने एक मेल फ्रेंड को भी ड्रग्स देता है और कहता है कि ये बहुत अच्छा माल है। दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव से कहता है कि मैंने उस इंजर्ड लड़की का सारे कॉल डिटेल्स निकाला है। उस लड़की ने लास्ट टाइम जॉन से बात किया था। वो ऑफिसर जॉन का भी कुंडली निकालता है। वो ऑफिसर कहता है कि जॉन एक क्रिमिनल है। सिर्फ 16 साल की उम्र में ही जॉन अपने नाइबर को मारने की कोशिश करने पर जेल जाता है। जेल से छूटने के बाद वो ड्रग्स डीलिंग में लग गए। ड्रग्स के साथ पकड़े जाने पर उसे फिर से जेल भेजा गया, लेकिन अब वो आजाद है। जॉन बहुत ही डेंजरस है। तब डिटेक्टिव कहता है कि पता लगाओ कि आखिर ये जॉन मिलेगा कहाँ। दूसरी तरफ आइलैंड में सारे दोस्त ड्रग लेने लगते हैं, सिवाय ब्री के। ब्री को ड्रग्स लेना अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो बाहर चली आती है। तब वहाँ उसका बॉयफ्रेंड भी आता है और ड्रग्स लेने के लिए माफी मांगता है और कहता है कि वो आज से ड्रग्स लेना बंद कर देगा, जिस बात से ब्री बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद हमें बेसमेंट की केबिन में बंधे उस कपल को दिखाया जाता है जिनका बिहेवियर धीरे धीरे एग्रेसिव हो रहा था। फिर हमें मॉनिटर स्क्रीन दिखाया जाता है जहां हम और भी केबिन में कई सारे लोगों को देखते हैं जिनका भी यही हाल था, यानी कि उन पे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। और फिर हम आइलैंड का सीन देखते है जहाँ जॉन का गर्लफ्रेंड एक रूम में बैठ के रो रही थी। तब उनके साथ आए एक मेल दोस्त पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? तब वो लड़की उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ना कि जॉन को, और मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और वो लड़का अंदर छुप जाते हैं। वो लड़की जॉन के साथ ऐसे बिहेव करती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और फिर जॉन अंदर आता है और उसे थोड़ा बहुत शक भी हो जाता है। जॉन अंदर रूम में इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता है।
और फिर जॉन वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम से आते वक्त वो उस मेल फ्रेंड को रूम से भागते हुए देखते हैं, जिससे जॉन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एग्रेसिव हो जाता है। गुस्से में उसे बहुत ही अजीब दिखाई दे रहा था। जॉन जब बाहर जाता है तब उसे ऐसा लगता है कि उसके सारे फ्रेंड्स उस पे हंस रहा है और उसका मजाक उड़ा रहा है। तब जॉन जाके उस मेल फ्रेंड को एक घुसा मारता है। तब ब्री जॉन को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन तब जॉन की आंखें बहुत लाल हो चुका था, जैसे कि उसकी आंखों में खून उतर आया हो। जॉन का दिमाग तब बहुत ही गर्म था, तभी वो जंगल की तरफ भागने लगता है। तब जॉन का गर्लफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और बाकी फ्रेंड्स केबिन में जाके उस लड़के से पूछता है कि जॉन ने तुम्हें क्यों मारा, आखिर क्या है तुम दोनों के बीच। तब वो लड़का कहता है कि मुझे क्या पता, वही जाने उसने क्यों मारा। और फिर जॉन और उसके गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए ब्री का बॉयफ्रेंड जंगल में जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस इंजर्ड लड़की से जाके फिर से पूछता है कि उस रात क्या हुआ था, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। और जब वो डिटेक्टिव वहां से जाने लगता है तब वो लड़की खून की उल्टी करती है, जहां उल्टी के साथ एक कटे हुए उंगली भी था, जिसे देखकर डिटेक्टिव का पसीना छूट जाता है। उस तरफ आइलैंड में ब्री का बॉयफ्रेंड जंगल में जॉन और उसके गर्लफ्रेंड को ढूंढ रहा था, तभी अचानक से उसे एक चीख सुनाई देता है और तब वो जाके देखता है कि जॉन का गर्लफ्रेंड काफी इंजर्ड होकर पड़ा हुआ है और फिर वो उसे केबिन में ले आता है। ब्री वॉकी टॉकी से बोट की कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी था। वो लोग जॉन की गर्लफ्रेंड की देखभाल कर रहे थे, तभी दरवाजे पे नॉक होता है और दरवाजा खोलने पर वो लोग जॉन को देखता है, जो कि काफी अजीब बर्ताव कर रहे थे। जॉन उन पे अटैक करने आ रहे थे, लेकिन उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। तभी उन लोगों से एक फीमेल फ्रेंड का भी हालत खराब होने लगता है और उसका भी आइस रेड हो जाता है। उसे भी सबकी शक्ल काफी अजीब दिखाई दे रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि सब लोग उस पे हंस रहे हैं। तभी जॉन का गर्लफ्रेंड पीछे से उस लड़की की गर्दन में काट लेता है और उसे खा लेता है, और फिर उनका एक मेल फ्रेंड उसके सर पे एक हैमर से अटैक करके मार देता है, और फिर वो लड़का भी ऐसा होने लगता है और उसका भी आइस रेड हो जाता है, और उसे भी दिखाई देता है कि उसका फ्रेंड्स उस पे हंस रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तभी जॉन दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाता है। ब्री और उसका बॉयफ्रेंड ऊपर की कमरे की तरफ भागने लगता है। जॉन ने ब्री की बॉयफ्रेंड का पैर पकड़ लिया था, लेकिन वो किसी तरह खुद को छुरा के ऊपर की विंडो से बाहर कूद जाते हैं। उस केबिन के पास ही एक छोटा सा स्टोर रूम होता है, जहाँ पे ब्री और उसका बॉयफ्रेंड जाके छुप जाता है। और उस तरफ बेसमेंट में बंदे कपल में से हस्बैंड ने वाइफ को खा लिया था और वो बहुत ही अजीब हरकत कर रहा था, जिसे देख वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद ब्री का बॉयफ्रेंड का आइस भी रेड हो जाता है, यानी कि अब वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तब ब्री उसके हाथ को वहां मिले एक रस्सी से बांध देता है, ताकि वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी तरफ डिटेक्टिव को पता चल जाता है कि लोग एक वायरस की वजह से ऐसा बन रहा है और ये वायरस किसी ड्रग्स के थ्रू फैल रहा है। तब डिटेक्टिव उस एंजर्ड लड़की से पूछता है कि क्या तुमने उस रात ड्रग्स लिया था। तब वो लड़की कहती है कि हाँ। तब वो डिटेक्टिव उस लड़की से पूछता है कि तुम्हें ड्रग्स किसने दिया था, और वो लड़की कहती है कि जॉन ने, और वो डिटेक्टिव अपने ऑफिसर्स को जॉन को ट्रेस करने की ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ ब्री आइलैंड में फिर से वॉकी टॉकी से सिग्नल देने जाते हैं। रूम के बाहर से वो देखती है कि जॉन और उसका दूसरा मेल फ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं। जॉन अपने फ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। तब ब्री कुछ पटाखे ले जाके आग में फेंक देते हैं, जिसके धमाके से जॉन डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और इसी मौके का फायदा उठा के ब्री केबिन में घुस के कैप्टन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी उसके एक फीमेल फ्रेंड उस पे अटैक कर देती है। कैप्टन रेडियो में ये सब आवाज सुन के समझ जाते हैं कि आइलैंड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हेल्प के लिए जाने लगते हैं और हेल्प के लिए रवाना हो जाते हैं। उस केबिन में जॉन भी आ जाता है और वो इन्फेक्टेड लड़की और जॉन के बीच लड़ाई होने लगता है। तभी मौका देख के ब्री वहां से भाग जाती है। जॉन और उस लड़की में काफी फाइट होता है, लेकिन आखिरकार जॉन उसे मार देता है। तब ब्री दोबारा उस स्टोर रूम में जाते हैं, जहाँ पे वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अपना हाथ काट के वहां से फरार हो चुका है। तब ब्री वहां से वापस आने लगते हैं। तभी रास्ते में उसका बॉयफ्रेंड जो कि अभी इन्फेक्टेड होता है वो उस पे अटैक कर देते हैं। ब्री उससे बचने के लिए भागने लगती है और पानी में जंप कर देती है। तभी उसका इन्फेक्टेड बॉयफ्रेंड भी उसके पीछे पीछे पानी में छलांग लगा देता है। बोट का कैप्टन भी तब वहां पहुंचता है और ब्री को पानी से बाहर निकाल लेता है, लेकिन ब्री का बॉयफ्रेंड कैप्टन को पकड़ लेता है। तब ब्री कैप्टन का गन लेकर अपने बॉयफ्रेंड को शूट कर देती है, लेकिन इसी बीच बोट का कैप्टन भी मारा जाता है। तभी वहां जॉन भी आता है और उन पे अटैक कर देते हैं, जो कि काफी जला हुआ था, और फिर ब्री जॉन को भी शूट कर देती है, लेकिन इसी बीच ब्री भी काफी इंजर्ड हो जाती है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जॉन को होश आता है
और वो बोट पे कैप्टन और ब्री का लाश देख के बहुत ही दुखी हो जाते हैं। दूसरी तरफ बेसमेंट की केबिन में वो आदमी भी अपने वाइफ की डेड बॉडी को देखकर रो रहे थे जिसे उसने खुद काट के खाया था। लेकिन कंट्रोल रूम में एक बूढ़ा आदमी और एक लेडी ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों के एक्सपेरिमेंट जो कामयाब हो गया था। और फिर सारे केबिन में पॉइजनस गैस छोड़ के सबको मार देते है ताकि पीछे कोई सबूत ना छूट जाए। उस तरफ बोट में ब्री मरी नहीं थी बल्कि बेहोश थी। जब उसे होश आती है तब जॉन की पूछने पर वो कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है, तुम ही इन सब के जिम्मेदार हो। ये सुन के जॉन को बहुत ही दुख होता है और वो खुद को शूट करने जाता है लेकिन उस गन में बुलेट्स नहीं थी। तब वो डिटेक्टिव अपने कुछ ऑफिसर्स को लेकर उस आइलैंड की तरफ आता है। जब वो ऑफिसर्स जॉन के हाथ में गन देखता है तब वो लोग अपने बंदूक जॉन की तरफ तान देता है और फिर जॉन अपने गन को उन ऑफिसर्स की तरफ दिखा के उन्हें यह समझाने की कोशिश करता है कि उसकी गन में बुलेट नहीं है। लेकिन वो ऑफिसर समझते हैं कि जॉन उन्हें शूट करने वाला है और फिर वो ऑफिसर जॉन को ही शूट करके मार देते हैं। और फिर टीवी पर हमें आइलैंड मैसेकर के बारे में बताया जा रहा था और उस वायरस के बारे में भी बताया जा रहा था जो ड्रग्स की वजह से फैले है। इस वायरस से इन्फेक्टेड लोग कैनिबल बन जाते हैं और लोगों को खाने लगते हैं। और फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बुरे आदमी को देखते हैं जिसने एक्सपेरिमेंट किया था। वो आदमी एक पॉलिटिशियन होता है और कॉन्फ्रेंस में कहता है कि ये वायरस टेररिस्ट का एक चाल है और पीएम इसका कुछ नहीं कर सकता है। और अगर आप लोग अगले इलेक्शन में मुझे वोट दे के पीएम बनाए तो मैं वादा करता हूँ कि इस वायरस का काउंटर जरूर करूंगा। यानी कि वो बुरा आदमी इस वायरस का एंटीडोट पहले से ही बना के रखा है। अगले सीन में हम एक लैब को देखते हैं जहां वो पॉलिटिशियन कुछ पौधों के जरिए इस वायरस को उगा रहा है। सच में कुछ इंसान पैसा और पावर के लिए अपने इंसानियत को भूल के कुछ ऐसा करते हैं जिसका इजाजत हमें हमारी इंसानियत नहीं देती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।